आप देख रहे हैं दखल न्यूज। छत्तीसगढ़ में कई राज्यों में अर्बन नक्सली नेटवर्क को संचालित करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा नक्सल सहयोगी भारत सरकार के एक विभाग में शीर्ष अफसर के पद पर कार्यरत है। सरकारी प्रतिष्ठान में कार्यरत एन मूर्ति एन वेंकट राव सहित अन्य कई नामों से जाना जाता है। नक्सल नेटवर्क को पर्दे के पीछे रहकर संचालित कर रहा यह शख्स भारत सरकार का अधिकारी है और एन मूर्ति एन वेंकट राव सहित अन्य कई नामों से जाना जाता है। 2017 में इसने पागाराई झोला में 3 दिनों तक रहकर नक्सल संगठन पर मीटिंग की थी। लंबे समय से उसकी आवाजाही पर पुलिस नजर रखे हुए थी। बाघ नदी क्षेत्र से राजनांदगांव जिले में दाखिल होने के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है एन वेंकट मूलतः हैदराबाद का रहने वाला है, जो सालों से घूम घूम कर नक्सलियों के तेलंगाना छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश नक्सलियों के कैडर को मजबूत करने का काम करता रहा है। हम लोगों ने एक विशेष टीम गठित की जो पिछले 1 महीने से लगातार इस पे काम कर रही थी। एडिशनल SP नक्सल ऑपरेशन YP सिंह इस पे लगातार व्यक्तिगत रूप से ये भिड़ के उसमें काम कर रहा था और एक और मेरे काफ़ी सारे और सब इंस्पेक्टर हैं, कॉन्स्टेबल्स हैं जिन्होंने इसमें विशेषज्ञता हासिल की है इस पूरे काम में, और मतलब बहुत ही पेशेंस वाला काम है। तो इस टीम ने लगातार लग के इनकी जानकारियां प्राप्त की, जो स्पेसिफिक जानकारी है। तो हमें इस व्यक्ति के मूवमेंट की जानकारी मालूम थी, हमें ये नहीं मालूम था कि गवर्नमेंट सर्वेंट, ये महत्वपूर्ण चीज। हमें ये मालूम था कि एक मूर्ति नाम का व्यक्ति है, वो इस टाइप से आता है और सामान लेके अंदर जाता है, लंबे समय मीटिंग करता है सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के साथ में, फिर वापस लौटता है। तो ये जानकारी हमें थी, उस जानकारी को डेवलप करके फिर हमने इसको इंटरसेप्ट किया और हमें आरोपी वेंकट भारत सरकार के नेशनल जियो फिजिकल विभाग का अनुविभागीय अधिकारी है और वह 1980 से नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क को मजबूत बनाने में काफी अहम भूमिका अदा करता रहा है। आरोपी की राजनांदगांव जिले के अंदरूनी इलाकों में भी उसकी नक्सली संगठनात्मक गतिविधियों में भागीदारी रही है। आरोपी नक्सली वेंकटेश ने 2016 में शीर्ष नक्सल कैडर दीपक तिलतुमड़े और देवजी के साथ छुई खदान में कोरवा के जंगल में लंबी बैठक की थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।